हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी केक की रेसिपी नहीं है, ये एक स्वीट डिश की रेसिपी है और बहुत ही अलग टाइप की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस सीज़न में ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओफो, फिर से आज दूध फट गया। तो इस चिलचिलाती गर्मी में दूध का फटना तो कॉमन हो गया है। तो चलिए आज फटे हुए दूध से कुछ अच्छा और कुछ नया बनाते हैं। तो जो ये दूध फटा हुआ है, इसे हम छानकर निकाल लेंगे इसका खोया। और चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए हम इस खोए को लेंगे एक जार में, ग्राइंडिंग जार में, और इसका हम बना लेंगे एक पेस्ट। सबसे पहले इन सारे खोए को हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं। तो गर्मियों में हमारा ये दूध का फटना बहुत ही कॉमन है। थोड़ा भी हमने लापरवाही किया और दूध फट गया, और फिर उसका वही एक ही चीज़ बनाना जिसे हम बनाते हैं वो हमें पसंद नहीं आता। तो आज कुछ नया बनाते हैं। तो हमने इसे एक बार पीस लिया है ग्राइंडिंग जार में डालकर। अब इसमें हम डाल रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितना मीठा पसंद हो, और खोए के अकॉर्डिंग आप उसमें शक्कर डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी बाटी भरकर शक्कर डाल दिया है, और फिर से हम इसे चला लेंगे एक बार ग्राइंडिंग जार में। ये देखिए, मैंने फिर से चला लिया है। तो ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, जिस हिसाब से हमें रेसिपी बनानी है ये थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है। तो इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच दूध, और दूध के साथ ही हमें इसमें और एक इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिससे कि इसमें एक टेस्ट आए। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। तो आप 1/2 टीस्पून भरकर इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए, और उसके बाद फिर से हमें इस पेस्ट को पीस लेना है। और ये देखिए, इस तरह का पेस्ट और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे इस पेस्ट की। तो पीसने के बाद अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमें ले लेना है एक छोटा सा बोल या कोई एक टोप के जैसा, और उसे हमें घी से ग्रीस कर लेना है, और उसी ग्रीस किए हुए टोप में हमें इस मिश्रण को डाल देना है। अच्छी तरह से क्लीन करके डाल दीजिए। आप इस डिश में फटे हुए दूध की जगह पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। डालने के बाद हमें इस स्टोव को 2 से 4 बार टैप कर देना है ताकि अच्छे से इसमें ये सेट हो जाए। और आप चाहें तो इसे ऐसे ही, या फिर आप चाहें तो इसमें ये चॉको चिप्स जो आते हैं चॉकलेट वाले, वो आप डाल सकते हैं एज अ डेकोरेशन। इस तरह से आपको डाल देना है। और डालने के बाद अब हम इसे करने वाले हैं स्टीम। तो ये लीजिए, मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने कुकर में पानी गर्म कर लिया और उसमें रख दिया है एक वायर स्टैंड, और उसके ऊपर ही हमें अपने इस टोप को रखना है छोटे से, और इसे ढककर हमें 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम करना है। आपको इसमें सीटी नहीं लगानी है, आप चाहें तो इसे किसी पतीले में भी आप कर सकते हैं। मैंने इस कुकर में रखा है, इसे अच्छी तरह से ढक दीजिए, कहीं से भी इसमें से भाप नहीं निकलनी चाहिए। और 20 मिनट तक हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से स्टीम कर लेना है। और 20 मिनट के बाद मैंने देखिए ये हटाया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारी जो स्वीट डिश है वो तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पक गई है और इसने साइड भी छोड़ दिया है। तो इसे हम कुकर से निकाल लेंगे और इसे हम पूरा रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब साइड से हम इसे चाकू से थोड़ा सा लूज कर देंगे और इसे हमें बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लूज़ करने के बाद मैंने लिया है एक प्लेट और उसमें इसे उल्टा करके निकाल दिया है, और ये देखिए बहुत ही क्लीनली ये बाहर आ गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टीम हो गया है। ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है तो आप सावधानी से कीजिए। मैंने इसे टर्न कर लिया है एक दूसरे प्लेट में, और ये देखिए बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश तैयार है। हमने इसे फ्रिज में रख दिया है, जब वो ठंडा हो जाए तब आप इसे बाहर निकालिए, और इसके बाद आप इसे काट कर इसका मज़ा उठा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये डिश, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये स्वीट डिश, इजी और बहुत ही लाजवाब। तो अगर आपको आज की ये मेरी इजी और टेस्टी स्वीट डिश की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एन्जॉय द स्वीट डिश।